So when a child, a small child, is weak, he wants to stand. What he will do? He take the support of the other people. Yes or no? Yes. When a grown-up person also, suppose a person is very ill, cannot walk properly, what they will do? They will take the support of the other people. Likewise, the plants, there are the plants which have weak stem, they have two options. Which are the two options? So the plants having weak stem, they have two options. Either they take the support of the other organisms and You are not audible. hello? In which class I am not audible? 6A, am I audible? Yes. 6B, am I audible? 6B. Yes. So the plants having weak stems, what they will do? They either climb on the support, or such plants, they lie on the ground. Yes or no? Yes. For example, I had shown you, हमने क्या देखा था? कि here, these plants, ठीक है? जैसे वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, है ना? But these plants, they have weak stem. That's why they lie on the ground and they have big fruits, right? So they lie on the ground. These are called as creepers. But there are present some plants which grow on the other support that are called as climbers. For example, this plant, it coils around the other support. यहाँ पे देखिए, ये भी वीक प्लांट है, ये भी कॉइल हो रहा है दूसरे सपोर्ट पे. सो दीज आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स. एंड सम क्लाइंबर्स, दे हैव दिस यू नो कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? यस, एनीबडी रेज योर हैंड. कुछ क्लाइंबर्स जो है बेटा, उनके पास ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिससे वो सपोर्ट के आसपास कॉइल कर जाते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एज टेंड्रिल्स. क्या बोलते हैं इनको? एवरीबडी, दीज आर कॉल्ड एज टेंड्रिल्स. सुना है आपने नाम? जिस जिसने सुना है हाथ खड़ा करो. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन. सो व्हाट आर टेंड्रिल्स? यू कैन से These are thin. Thread-like structures. Which coils around spore. इन क्लाइंबर्स. जिसको डेफिनेशन नहीं पता वो लिख लो टेंड्रिल्स क्या है. थिन, आप देख रहे हो, थिन है.
राइट दीज आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कॉयल अराउंड सपोर्ट. लिख लो. और एक चीज और देख लो. सिक्स बी, एम आई ऑडिबल बेटा? सो द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू क्लाइंबर्स दे अटैच विद द सपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ टेंड्रल्स, विद द हेल्प ऑफ हुक्स? राइट, द क्वेश्चन इज हाउ द क्लाइंबर्स अटैच विद सपोर्ट. सो आंसर इज फर्स्ट है टेंड्रिल्स, सेकेंड है हुक्स. टेंड्रिल्स की एग्जाम्पल आ जाती है बेटा कुकम्बर. और हुक्स की एग्जाम्पल आ जाती है मनी प्लांट. कुकम्बर क्या है? खीरा, तोरी, घिया, ये सब कुकम्बर में आ जाए. लिख लो बेटा, लिख लो. क्वेश्चन लिखो पहले, फिर आंसर लिखो. विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स, विद द हेल्प ऑफ हुक्स. फर्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन, चाहे कॉपी में लिख लो चाहे असाइनमेंट पे ही लिख लो नीचे करके. जल्दी से मॉडिफिकेशंस वी कम टू. ध्यान से अब देखना है, पहले समझना है फिर लिखना है. मॉडिफिकेशंस, यू नो दैट रूट्स, रूट्स जनरली दे आर लाइक दिस एंड दे हेल्प इन अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, इस तरह की रूट्स. बट इन सम केसेस रूट्स आर एडिबल. एडिबल मीन्स जिनको हम खा सकते हैं. रूट स्टोर फूड एंड आर ईटन, फॉर एग्जाम्पल रेडिश. आप ये देखो, ये भी रेडिश है, ये भी रेडिश है, ठीक है. ये ऊपर रूट है, मतलब जो जिसमें फूड स्टोर्ड है, और ये जो नीचे पार्ट ऑफ द रूट है दैट हेल्प्स इन अटैचमेंट. सो इन ये मैं लिखवाऊंगी बट अभी आपने समझना है. सो हियर रूट्स आर ईटन, दे आर एडिबल. देन हियर यू कैन सी दिस इज पोटैटो. बट इन पोटैटो ये जो पार्ट है, ये अब ऊपर सिर्फ लीव्स आ रहे हैं, नीचे स्टेम. दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम. सो पोटैटो इज नॉट रूट. लगता है ये जमीन के नीचे है बट इट इज नॉट रूट, इट इज ए स्टेम. कैसे पता चला? जब हमने काट के इसको माइक्रोस्कोप के अंदर अंदर का स्ट्रक्चर देखा तो हमें पता चला कि दिस इज नॉट रूट, दिस इज स्टेम. राइट, सो पोटैटो इज ए स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम. लाइकवाइज व्हाट इज दिस? दिस इज जिंजर, अदरक है ये. दिस इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम. और अगर आप देखेंगे इसमें से ये जो पोर्शन होता है ये ऊपर नजर आता है लीव्स का, ये जो स्टेम है ये अंडर है और ये रूट्स है. राइट, नाउ दिस इज कैक्टस. कैन एनीबडी टेल मी द ग्रीन पार्ट ऑफ द कैक्टस, ये क्या है, स्टेम है कि लीव्स है? हाथ खड़ा करके रेज योर हैंड्स एंड देन टेल. सिक्स से मे आई कॉल समबडी?
यस मन्नत सिक्स थे। नंबर बेटा दिस ग्रीन पार्ट इन कैक्टस जिसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं, व्हाट इज दिस? इज दिस स्टेम और लीव्स? मैम लीव्स। लीव्स। ओके लेट मी टेल सी एनी अदर। बैठो बेटा, मन्नत बैठेगी। यस लास्ट गर्ल सिक्स थे, लास्ट गर्ल। यस पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? ज्योतिका। यस ओके ज्योतिका, देन टेल मी, लीव्स। जो ये ग्रीन पार्ट है दीज आर द लीव्स, और जो इसके ऊपर स्पाइन्स है वो क्या है? बैठो बेटा बैठो। एनी अदर स्टूडेंट? अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, जो कैक्टस है ना वो कहाँ पे रहता है? वो डेजर्ट्स में ग्रो करता है, यू नो दैट? एंड यू पीपल नो दैट डेजर्ट्स में पानी कम है, प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, एंड थर्ड यू नो दैट देयर इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। यस और नो? ट्रांसपीरेशन इज बेटा हर प्लांट में लीव्स के थ्रू पानी बाहर जा रहा है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। अब डेजर्ट्स में कैक्टस ग्रो कर रहा है, एक तो उसको नीचे से पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से लीव्स में से पानी जो है वो लूज होता जाए, फिर तो कैक्टस मर जाएगा, इजंट इट? यस और नो, जल्दी से बोलो। यस द कैक्टस विल डाई, सो व्हाट इट विल डू? नीचे से तो प्लांट, नीचे से तो पानी जितना होगा उतना ही मिलेगा, बट वो पानी के लॉस को कम करता है। कैसे कम करता है? उसने अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लिया स्पाइन्स में, नहीं तो लीव ऐसे फैले होते हैं, जब वो स्प्रेड होते हैं तो उनका सरफेस बहुत ज्यादा होता है जहां से पानी बहुत जल्दी लूज होता है। अब उसने अपने आप को रोल सा कर लिया और वुडी कर लिया, जब वुड कर लिया तो इसलिए उसमें से पानी लूज नहीं हुआ। जब थिन लीव्स होते हैं जिन प्लांट्स में स्प्रेड होते हैं उसमें से पानी जल्दी लूज होता है, वुड में से पानी नहीं लूज होता, तो उसने अपने लीव्स को वुडी स्पाइन्स बना लिया जिससे उसमें पानी का लॉस कम हो गया। पानी का लॉस तो कम हो गया, बट नाउ विच पार्ट ऑफ द प्लांट विल फोटोसिंथेसाइज? बिकॉज लीव्स आर नॉट ग्रीन हियर, सो व्हाट इज द मॉडिफिकेशन? दैट स्टेम ऑफ द प्लांट बिकम्स थिक एंड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। राइट डाउन, लिखो ये। आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन स्टेम है, सो वी से कैक्टस। लिव्स इन डेजर्ट, वेयर लेस वॉटर इज प्रेजेंट। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वॉटर थ्रू लीव्स, द लीव्स ऑफ कैक्टस आर चेंज्ड इनटू वुडी स्पाइन्स।
इन कैक्टस द स्टेम बिकम्स ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इज इट ओके? क्लियर है आपको बच्चों सबको? जल्दी से सिक्स्थ बी में नव्या, नव्या इज देयर? नव्या जल्दी से आओ बेटा। एंड टेल मी व्हाट वी ईट इन रेडिश स्टेम रूट फ्रूट सीड, क्या खाते हैं बेटा हम इनमें से? जोर से बोलो बेटा, माइक कहाँ है? माइक के पास। हाँ, क्या खाते हैं इसमें? मैम फ्रूट्स, फ्रूट्स खाते हैं रेडिश में। मूली में हम क्या खाते हैं? बैठो नव्या। प्राची, प्राची कैन यू टेल मी? जोर से। शी इज एब्सेंट। ओके मयंक इज देयर? ओके मयंक टेल मी। बेटा मैंने मूली में बताया था आपको कि जिसमें फूड स्टोर्ड है, जो हम खाते हैं, वो क्या है? रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट है, क्या है वो? जोर से दोबारा से। हाँ अगेन बेटा बोलो दोबारा से, बहुत बताओ। फ्रूट्स फ्रूट्स। बेटे तुम ध्यान से सुनते नहीं हो। यस टेंथ है, एनीबडी हु कैन टेल मी? बैठो आप अपनी जगह पे, सुनना आप ध्यान से क्या कह रहे हैं। यस टेंथ है, फर्स्ट गर्ल। हाँ जी बेटा, फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट गर्ल है। हाँ बेटा ये देखो कैसे हम आगे जाएं अगर हमको यही नहीं समझ आएगा। ये क्या थी? व्हाट इज दिस? दिस इज रेडिश। ये भी रेडिश है। ये क्या बताया था आपको? क्या इसमें एडिबल है? हाँ टेंथ है बता रहे हैं, बोलो जोर से बोलो। टेंथ है रूट्स एडिबल है बेटा, रेडिश में, कैरेट में। ये पहले चैप्टर में भी आपने पढ़ा, ठीक है? लिखो, राइट डाउन इन योर कॉपी कि इन एडिबल पार्ट्स इन द फॉलोइंग। एडिबल मीन्स पार्ट्स ईटन। ये बेटा फर्स्ट चैप्टर का पोर्शन है, ठीक है? फूड वी ईट, सबसे पहले कैरेट्स, फिर है रेडिश, फिर है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, जिंजर, पोटैटो। हाँ जी जल्दी से मुझे बताइए। सिक्स्थ है, यस। जो कैरेट में, गाजर में हम क्या खा रहे हैं?
यस एनीबडी, जल्दी से फटाफट आ जाओ। सेकंड गर्ल, सेकंड बेंच पे सेकंड गर्ल, यहीं से खड़े होके जोर से बोलो, रूट्स खाते हैं। वेरी गुड। सिक्स्थ बी, रेडिश। यस जल्दी से बोलो, जहां पर भी एक बच्चे का हाथ खड़ा है, थर्ड बेंच, यहीं से जोर से बोलो, आगे वाला बच्चा मुझे बता देगा। हाँ जी, क्या बोला? रूट्स खाते हैं। वेरी गुड। स्पिनच, स्पिनच पता है आपको? यस, 10th A, 10th A बेटा। यस, सेकेंड या थर्ड बेंच पे, आई थिंक द बॉय और द गर्ल। यस सेकेंड, सेकेंड रो में जब द गर्ल। यस लीव्स खाते हैं, स्पिनचेस, पालक। अपनी कॉपी में लिख लेना है, इसको हिंदी में बोलते हैं पालक। लीव्स खाते हैं। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, क्या खा रहे हैं फूल गोभी में? यस 10th A, थर्ड रो में से थर्ड बॉय। यस स्टैंड अप एंड यहीं से ही बोलो ताकि ये बताएंगे। लीव्स, लीव्स नहीं खाते हैं इसमें हम, अमरूद, रूट भी नहीं। कॉलीफ्लावर कोई नीचे है, रूट्स नीचे होती है, कॉलीफ्लावर तो ऊपर इतना सुंदर सा दिखता है। बेटा इसके, बैठो, इसके फ्लावर जो हम निकालते हैं वो फ्लावर्स है ना, वो पक जाते हैं फ्लावर्स, राइट? तो बहुत सारे जो कॉलीफ्लावर, फूल गोभी होती है, वो बंच ऑफ फ्लावर्स है, सो इसका हम फ्लावर्स खाते हैं। जिंजर, अदरक में क्या खाते हैं? 10th A, लास्ट, लास्ट में एक हाथ खड़ा है, सेकंड। हाँ भाग कर आओ, भाग कर जल्दी से। मैम स्टैम्प। यस जिंजर में हम स्टेम खाते हैं। वेरी गुड। 10th B में से बताएंगे, पोटैटो। पोटैटो में, आलू में हम क्या खा रहे हैं? 6th B। 6th B। हाँ जी, मैं फिर 10th बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। 6th B, यस 6th B। पायल, प्रिंस, ये तो 6th A में से, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कमर, करमपाल सिंह, रेफरेंस एबसेंट है कार्तिक, यहीं से ही बोलो बेटा, क्या खाते हैं हम पोटैटो में? आलू में क्या खाते हैं? रूट की स्टेम, दो ऑप्शन दे रही हूँ। स्टैम्प। स्टेम, बिल्कुल ठीक है, इट इज स्टेम। ठीक है, बैठो बेटा, राइट? सबने लिख लिया ये? भूलोगे तो नहीं? ओके ठीक है, अब मुझे ये बताइए, कैक्टस में विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? रूट की स्टेम की लीव्स। ऑप्शन ए है रूट्स, ऑप्शन बी है स्टेम, ऑप्शन सी है लीव्स। इन कैक्टस, यस यस बेटा, 6th B, सेकंड बॉय, येलो शर्ट। हाँ जी, यहीं से बोलो। यस बिल्कुल ठीक है, इट इज स्टेम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखते चलना है, लॉस ऑफ वाटर। थ्रू लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड एज 6th A, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जल्दी से। यस ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पीछे से एक बॉय का हाथ खड़ा है, पीछे से थर्ड फोर्थ लाइन में। यस हाँ, चलिए बिल्कुल ठीक बताया आपने, ट्रांसपीरेशन। दिस इज ट्रांसपीरेशन। मैम ने पूछना है, सबको आना चाहिए। देन
थिन पोर्स ऑन द लीव्स थ्रू विच ट्रांसपीरेशन अकर्स। मैम चेक करते रहना सब बच्चों ने लिखा के नहीं। थ्रू विच ट्रांसपीरेशन अकर्स, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे छेद है जहां से पानी लूज हो रहा है। दीज पोर्स आर कॉल्ड, किसको पता है? यस सिक्स्थ बी। सिक्स्थ बी में से मुझे कोई हैंड नहीं रेज नजर आ रहा। यस सिक्स्थ बी रेज योर हैंड्स। यस आई थिंक 1 2 3 4 फिफ्थ रो में। यस देर इज वन बॉय कमिंग। यस बोलो बेटा। बीन्स नहीं बेटा वेन्स तो, बेटा वेन्स पोर्स थोड़ी है। पोर्स का मतलब होता है छेद, होल्स। तो वेन्स तो होल्स नहीं है ना। नहीं आप बैठो। एनी अदर फ्रॉम सिक्स्थ बी? यस देर इज वन बॉय इन द मिडल। हां जी बेटा यहीं से बोलो। क्या बोला बेटा इसने? यस दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। These are called as stomata. ठीक है, देखिए सबने लिखा है। टीचर्स प्लीज चेक, दे हैड रिटन दिस। दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है जी, चलिए। Then we come to flower. Are you able to see it? These are, अगर हम ये देखें, ये क्या है? These are sepals. ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर सेपल्स। देन सिक्स बी थर्ड रो बॉयज, बेटा इधर सीधे होके बैठो, सीधे होके सीधे। एंड दीज आर पेटल्स, राइट? उसके बाद ये जो येल्लो से स्ट्रक्चर्स है, कैन यू सी द कलर? येल्लो स्ट्रक्चर्स आर एंथर्स, राइट? स्टेमन्स के पार्ट है एंथर्स। और नीचे फिर क्या हो जाती है? अगर हम यहाँ पे इस फ्लावर में देखें, द सेम चाइना रोज, तो ये नीचे पार्ट क्या आ जाएगा? दिस इज पिस्टिल। और पिस्टिल का अगर आप ये आगे वाला पार्ट देख रहे हो, कैन यू सी दिस? ये दिख रहे, ये येलो पार्ट तो ये नीचे है, और ये मरूनिश से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं अगर आपको दिख रहे हैं। दीज आर स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। तो फ्लावर के चार पार्ट्स है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। बट अब मैंने क्या आपको दिखाना है बेसिकली, कि सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं, ये क्या है? ग्रीन स्ट्रक्चर्स आर सेपल्स। और अगर आप यहाँ देखें तो ये सेपल्स ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड है। यस और नो? अगर मैं एक को उतारूं तो ये एक नहीं, ये पूरे का पूरा जो है ये उतरेगा, ठीक है? अगर मैं करूं तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके जो है ना, ये देखिए, ये मैं करने की कोशिश कर रही हूं निकालने की, बट ये ऐसे ही बीच में टूट जाता है, राइट? ये नहीं, क्योंकि ये फ्यूज्ड है, सेपल्स फ्यूज्ड है। आप इसमें भी देख सकते हो, कैन यू सी दिस? ये नीचे से, ऊपर से फ्री है बट नीचे से तो फ्यूज्ड है ना। बट अगर हम पेटल्स देखें तो पेटल्स एक दूसरे से फ्री है, राइट? तो सेपल्स और पेटल्स, राइट, दे कैन बी फ्री। जरूरी नहीं कि सभी में फ्यूज्ड हो या फ्री हो, ठीक है? किसी में फ्यूज्ड होंगे और किसी में फ्री होंगे, राइट? सो यू कैन
सी हियर, ये मैंने आपको जो दिखाया कि ये क्या है, दीज आर सेपल्स, दीज आर सेपल्स, ये है पेटल्स, ये है स्टेमन्स, और ये पिस्टिल का पार्ट है। ये चार पार्ट्स आपको पता है? यस। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। हेयर यू कैन सी, अभी मैंने जो आपको फ्लावर दिखाया था हिबिस्कस का, चाइना रोज का, ये भी है ये भी है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये फ्यूज्ड नजर आ रहे हैं कि नहीं, है ना? इधर भी ये भी मैंने आपको इस तरह कि ऊपर से फ्री लग रहा है बट नीचे से फ्यूज्ड है सेपल्स, यस और नो? तो दीज आर फ्यूज्ड सेपल्स, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये सेपल्स ये अलग है ये अलग है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ये ओवरी है, इसको नहीं आपने कंसिडर करना। ये देखिए ये एक सेपल है और ये एक सेपल है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो सेपल्स कैन बी फ्री, दे कैन बी फ्यूज्ड, यस और नो? और अगर आप बड देखें, ये अभी बड पूरी खुली नहीं है, ये अभी खुल रही है, तो अगर बड देखें तो बड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेपल्स, यस। ठीक है, बड क्या है? अनओपन फ्लावर, और उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल्स प्रोटेक्ट कर, राइट? तो सेपल्स कैन बी फ्री, ये है फ्री सेपल्स और ये है फ्यूज्ड सेपल्स। और ये क्या है, ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स क्या है? पेटल्स। ये आपको फ्री लग रही है कि फ्यूज्ड लग रही है? यस, दीज आर फ्यूज्ड पेटल्स। और ये फ्री, ये आपको देखो चार पेटल्स है, चारों अलग अलग है। सो सेपल्स एज वेल एज पेटल्स, दे कैन बी फ्री, दे कैन बी फ्यूज्ड। क्लियर है एवरीबडी? ठीक है, सो दिस इज सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स का क्या फंक्शन होता है बेटा? प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन, और कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ जब प्लांट बड होता है, फ्लावर बड होती है, तो सेपल्स उनको प्रोटेक्ट करता है। नहीं पता तो लिख लो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेपल्स? प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, ये आपको पता है? और पेटल्स क्या करते हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेटल्स? एनीबडी रेज योर हैंड्स। पेटल्स कलर्ड है, क्या करेंगे ये सुंदर इतने से? यस, सेकंड बॉय, 10th B, सॉरी 6th B, 3rd row, सेकंड बॉय। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, क्योंकि लंबा सेंटेंस है। हाँ सिक्स्थ बी, हाँ जी, एप्पल्स आर लाइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। वेरी गुड वेरी गुड। सो पेटल्स आर कलर्ड, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट। फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन पेटल्स क्या करती है? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अभी मैं बताऊंगी पॉलिनेशन क्या चीज है, ठीक है? सो फंक्शन ये आ सकता है सेपल्स का और पेटल्स का।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं उसके बाद। मैंने आपको बताया कि देयर आर प्रेजेंट एंड देयर आर प्रेजेंट स्टेमन्स, स्टेमन्स है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज स्टेमन, और इसके दो पार्ट्स है एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट हेल्प्स इन अटैचमेंट एंड एंथर प्रोड्यूसर्स पोलन ग्रेन्स। तो विच पार्ट ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स? इट इज एंथर। और आप देखेंगे अगर हमने यहां पे देखा है, राइट हियर, या इधर देखें, इफ यू कैन सी हियर, कि यहां पर ये आपको इस तरह से नजर आता है। सो हेयर दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर। ये देखो मेरे ख्याल से पिछली वाली स्लाइड में था। हाँ दिस इज, यस ये फिलामेंट है दिस इज फिलामेंट विच हेल्प्स इन अटैचमेंट, और ये देखिए ये टिप पे क्या है एंथर विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक फ्लावर से, एक ये वाला फ्लावर है, एक और फ्लावर है, यहां से पोलन्स, इधर पोलन बने, ये उठकर दूसरे फ्लावर के पास जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहां पे ये स्टिग्मा के पास जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। लिख लो अपनी असाइनमेंट के ऊपर, लिख लो, जितनी बार लिखोगे पता भी होगा आपको, है ना, बट लिखोगे तो याद रहेगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। देन वी कम टू पिस्टिल। देन वी कम टू पिस्टिल। पिस्टिल इज, ये कार्पल लिखा है, इसका दूसरा नाम आ जाता है पिस्टिल। दिस इज कार्पल, अगर हम काट दें तो इसको हम लिख सकते हैं पिस्टिल। पिस्टिल फीमेल, रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट हैज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर ये क्या है ओव्यूल्स, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। हम देखें जरा अगर हमें नजर आ जाए, लेट्स सी, हमने ये
सबसे पहले तो ये हमने, चलिए ये तो हमारी ओवरी भी बाहर आ गई, बट चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए जी, कैन यू सी, ये ऊपर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और नीचे ये ओवरी है। दिस इज ओवरी, राइट? और अगर हम, लेट मी, अगर हम काटते हैं, इसमें बहुत क्लियरली नजर तो नहीं आ रहे, बट इफ ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आते, ऐसे तो नजर नहीं आएंगे, बट इसके अंदर आपको क्या नजर आएगा? ओव्यूल्स नजर आएंगे। कैन यू सी दिस? थोड़ा सा छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, मुझे यहां से नजर आ रहे हैं बट वहां से नहीं नजर आएंगे, बट दीज आर ओव्यूल्स, राइट? तो हम क्या है, अगेन इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है स्टिग्मा, सिर्फ अगर हम बात करें। कैन यू सी इट स्टूडेंट्स? दिस इज स्टिग्मा, ये जो है ये डिवाइडेड है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और ये जो नीचे व्हाइट कलर का सारा पोर्शन है, दिस इज ओवरी, राइट? ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स है बेटा, ये फीमेल का पार्ट है, और जो ओवरी है, फाइनली जब फर्टिलाइजेशन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, तो हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स अगर हम खा रहे हैं तो ओवरी खा रहे हैं। मैंगो, आप देखो आजकल मैंगो है, मैंगो के अंदर सीड है, यस और नो? और जो वो फ्लैशी पार्ट है वो क्या है? दैट इज ओवरी, ठीक है? तो लिखो, राइट डाउन, द ओवरी पार्ट ऑफ द पिस्टिल फॉर्म द फ्रूट्स, द ओवरी, यस, सिक्स बी गर्ल्स, लिख ले बेटा, लिख ले, बालों को छोड़ो, द ओवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, यस, सिक्स बी थर्ड रो बॉयज, फॉर्म द फ्रूट्स, वेयर एज द ओव्यूल पार्ट फॉर्म द सीड्स। ओवरी फॉर्म रूट्स एंड ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स। चलिए जी, निकालिए, अब असाइनमेंट निकालिए अपनी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें सेपल्स और पेटल्स दोनों एक कलर के, हमें पता नहीं चलता है कि कौन से सेपल्स है कौन से पेटल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहाँ पे बेटा 21 के डी ऑप्शन ठीक कीजिए, बोथ बी एंड सी करना, लिली में भी और ग्रासेस में भी। कुछ प्लांट्स है जहां पे सेपल्स और पेटल्स एक जैसे नजर आते हैं, एग्जाम्पल आ जाती है लिली एंड ग्रासेस, यस। देन सिक्स्थ बी, गुरनीत कौर, गुरनीत इज देयर, गुरनीत आई है आज के नहीं?
सिक्स्थ बी गुरनीत जपनीत। सभी एब्सेंट है। जोबन प्रीत सहज प्रीत दोनों आ जाओ। जोबन प्रीत सहज प्रीत। जोबन प्रीत क्वेश्चन नंबर 22। द यंग अनओपन्ड फ्लावर इज टर्म्ड एज। जो फूल खिलता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? बर्ड यस इट इज कॉल्ड एज बड। बिल्कुल ठीक है। 22 का बर्ड्स। 23 अभी रहने दीजिए। 24 जोबन ने बता दिया। नेक्स्ट मैंने किसका सहज प्रीत का नाम लिया था आई थिंक। सहज प्रीत। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 24। बेटा कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ या स्टेमन्स है या पिस्टिल है। दे आर कॉल्ड एज उनको क्या बोलते हैं? जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन है। या बताओ यूनि का मतलब होता है वन, बाय का मतलब होता है टू। आप अंदाजा लगा के बताओ क्या होगा? ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बिल्कुल ठीक है। लिखो बेटा सब बच्चे लिखो। इसी में बैठो बैठो। जिसने आंसर मुझे दिया है वो बैठे। ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विच हैव ओनली वन सेक्स ऑर्गन। ठीक है। एग्जाम्पल आ जाता है पपाया कुकम्बर। नेक्स्ट 25। हाँ जी सिक्स्थ ए मनवीर देवांश एकमजीत। तीनों आ जाओ। मनवीर देवांश एकमजीत जल्दी से हमारे पास 5 मिनट है बेटा। मनवीर क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से भाग कर। द फीमेल पार्ट विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन विल। बेटा ये जो अब ध्यान से बात करनी है। पहले तो मुझे ये बताइए फीमेल का कौन सा पार्ट पोलन रिसीव करता है मनवीर? यस ये देखिए इसमें फीमेल का है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। विच पार्ट रिसीव पोलन ग्रेन्स? स्टिग्मा की स्टाइल की ओवरी। हां जी मनवीर स्टिग्मा। सिग्मा वेरी गुड। जब फ्रूट बन जाता है जब ओवरी फ्रूट बना देती है तो स्टिग्मा को क्या होता है मनवीर? क्या वो सीड्स में चेंज हो जाता है या स्टॉक बनाता है या फ्रूट बनाता है या विदर टूट जाता है? क्या होता है? ये शायद किसी को पता नहीं होगा बट इट विदर्स ऑफ। ये स्टिग्मा एंड स्टाइल ये टूट जाते हैं। जब फ्रूट बन जाता है तो ये टूट जाता है। द फीमेल पार्ट विच रिसीव द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन विल विदर एंड ड्रॉप ऑफ। विदर मतलब सूख गए और नीचे गिर गए। डी ऑप्शन आएगी। ठीक है। मनवीर के बाद देवांश बेटा। नेक्स्ट देवांश। ये तो अभी हो ही गया द पार्ट ऑफ पिस्टिल। दोबारा से बता दो देवांश क्या आएगा बेटा? विच रिसीव पोलन ग्रेन्स इज स्टिग्मा स्टिग्मा। बिल्कुल ठीक है। 26 स्टिग्मा। उसके बाद 28 बताइए एकमजीत। 27 रहने दो 28 बताइए। ग्रुप एक्स में है रोज एंड हिबिस्कस। ग्रुप वाई में है कुकम्बर एंड मेज। मेज की जगह लिख लो पपाया। आपको मेज अभी नहीं पता पपाया लिख लो। फिर बताइए इसका क्या आंसर आएगा बेटा? इन दोनों ग्रुप्स में क्या फर्क है? मैंने अभी बताया था आपको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का बताया था। यस फ्लावर्स विद बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। यस
ये ए ऑप्शन आ जाएगी, फ्लावर्स विद बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, और ग्रुप वाई है द मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर ऑन सेपरेट फ्लावर्स, बिल्कुल ठीक है ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए बैठिए बेटा जल्दी से, फिर हम कर लें फटाफट से। ए सीड कैन ओनली जर्मिनेट व्हेन देयर इज वाटर, वार्मथ एंड एयर। आदित्य कहते हैं ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स ओनली, ऐसा तो नहीं ना, किसी में स्टेम कटिंग भी लगती है, तो आदित्य ठीक नहीं है। वैभव कहते हैं द एम्ब्रियो डिपेंड्स ऑन इट सीड लीव्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ये भी ठीक है कि एम्ब्रियो के सीड लीव्स होते हैं। वत्सल द सीड लीव्स विच कंटिन्यू टू ग्रो बिगर, नहीं सीड लीव्स बेटा कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं, इसमें कौन ठीक है, हर्षित एंड वैभव दे आर कर, और किसने गलत स्टेटमेंट, क्वेश्चन ये विच ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव मेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, आदित्य एंड वत्सल। आदित्य कहते हैं कि फ्लावरिंग जो प्लांट्स है दे रिप्रोड्यूस बाय सीड्स ओनली, नहीं कुछ प्लांट्स की हम कटिंग्स लगाते हैं और जो सीड लीव्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। यस नेक्स्ट आ जाते हैं द गिवन फिगर शोज द पार्ट, गाइनेशियम की जगह लिख लो फीमेल रिप्रोडक्शन, गाइनेशियम जहां पे लिखा है वहां पे लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पी क्यू आर बताया है, पी है स्टाइल, क्यू है ओवरी एंड आर है ओव्यूल, इवेंचुअली लिख लो पी क्या है, पी इज स्टाइल, क्यू है ओवरी एंड आर है ओव्यूल। ओव्यूल है तो विच डिवेलप्स इनटू फ्रूट, हाँ जी क्या बताओगे आंसर, इज इट पी क्यू आर, जल्दी से क्या आएगा आंसर, क्यू आएगा, ओवरी, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर फूड, फ्लावर में कौन सा ग्रीन पार्ट है, जल्दी से सेपल्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, आंसर इज सेपल्स। प्लांट्स आर यूजुअली ब्राइट कलर टू, किस लिए पेटल्स ब्राइट क्यों है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, द रीजन बिहाइंड स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टिकी क्यों होता है, ताकि उसपे पोलन्स अटैच हो जाएं, ताकि इधर उधर ना भागें, टू स्ट्रॉन्गली होल्ड द पोलन ग्रेन, सी फ्रूट क्या है, जल्दी से फ्रूट इज, यस व्हाट इज फ्रूट, सिक्स ए फ्रूट इज राइप ओवरी, फ्रूट इज राइप ओवरी, ओवरी से ही तो बना आपको पता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडिबल पार्ट इज बंच ऑफ फ्लावर्स, ये मैंने आपको बताया था, यस सिक्स बी, हाँ कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर, वेरी गुड इट इज कॉलीफ्लावर, सिक्स टेप को आता था, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सीड, ये छोड़ दीजिए ये काट दो ये क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद हमने 37 39 कर लिया था, आई होप कर लिया था कि नहीं, 38 करें, प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स टू रिप्रोड्यूस, ये ठीक है कि नहीं, फ्लावर्स किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए, यस फ्लावर्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स सच एज दिस 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 विच एड इन ट्रांसफर, ये भी ठीक है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है बट आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आंसर इज बी, दोनों ट्रू है बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। और 40th कहता है कि लीव्स के ऊपर पॉलिथिन लगा दें, उसमें थोड़ी देर बाद पानी आ जाएगा पॉलिथिन पे, क्यों, क्योंकि प्लांट पानी लूज कर रहा है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, विच प्रोसेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड, यस 10th है 6th है, लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज, ट्रांसपीरेशन, गुड ट्रांसपीरेशन, कब ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगी, ऑन ए ब्राइट सनी डे और ए क्लाउडी डे, 6th बी, जोर से बोलना है 6B, सनी डे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द पॉलिथिन बैग,
स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट्स, लिख लो इसके साथ साथ, स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस हमने करने हैं, और मेरी बात सुनो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम वी विल, क्योंकि टाइम हो गया है, यू विल हैव अनदर क्लास, वी विल थोड़ा सा हम ये रिवाइज करेंगे, और अगली बार मैं इसका छोटा सा टेस्ट भी लूंगी क्लास में। आर यू रेडी? ओके बेटा, बाय बाय। बाय मैम। बाय बच्चे, बाय बाय।